Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about our next topic of your physical features of India and that is the Indian desert. इससे पहले वाले video lecture में हम लोगों ने the Himalaya mountain को पढ़ा, हम लोगों ने the Northern plain को पढ़ा, उसके every features देखे and उसके types को भी हम लोगों ने देखा, peninsular plateau को पढ़ा, उसके भी types and features को हम लोगों ने देखे, कहाँ कहाँ पर उसको location है, वो सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ आवर इंडिया, बिकॉज अस वी नो कि हमारा जो ये इंडिया है ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन लिए हुए है, यानी कि इसके एक पार्ट में कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे बारिश होती ही नहीं है, कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे प्लेट्यू है. तो आज हम लोग इसी के एक और फिजिकल फीचर्स को देखेंगे जो है द इंडियन डेजर्ट, यानी कि हमारा भारतीय रेगिस्तान. ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेक्चर, हम आपको ये बता दूं, मैं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लास 9 ज्योग्राफी वो प्लेलिस्ट का नेम है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो सारा वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा. राइट, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. द इंडियन डेजर्ट लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑन अरावली हिल. देखो, हम लोगों को सबसे पहले तो इस डेजर्ट को समझने से पहले या कोई भी फिजिकल फीचर्स समझने से पहले सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर ये लोकेशन हमारे माइंड में रहेगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें इंडिया का मैप दे दिया गया, एंड ऑब्वियसली ये मैप आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा ही सब सारा चीज़ को लोकेट करने के लिए, तो अगर ये मैप हमें दे दिया गया और हमें ये फिजिकल फीचर्स के लोकेशन याद रहेंगे तो हम इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं. राइट, तो इसीलिए हम सबसे पहले लोकेशन को देखते हैं कि वेयर डज द इंडियन डेजर्ट लाइज. तो जैसे कि यहाँ लिख रहा है द इंडियन डेजर्ट लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑन अरावली हिल, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं अरावली हिल की ओर. ये देखो आप, यहाँ पे है आपकी अरावली रेंजेस. तो ये क्या है अरावली रेंजेस? हम लोगों को पता है कि जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं, माउंटेन तो एक होते हैं. राइट, ये हो गए आपके माउंटेन, लेकिन अगर यहाँ पे साथ लगा हुआ बहुत सारे माउंटेन्स हो तो वो उसको हम लोग माउंटेन रेंज बोलते हैं. ठीक है, तो अरावली भी कुछ इसी तरह का, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन होते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखता है, द इंडियन डेजर्ट लाइन ऑन वेस्टर्न मार्जिन, वेस्ट साइड, कहाँ पे है, वेस्ट साइड में. तो अब ये देखो, ये तो हो गया नॉर्थ अरावली डेजर्ट का, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, एंड ये वाले हिस्से हो गया वेस्ट. तो वेस्ट में हमारा क्या पड़ रहा है, थार डेजर्ट पड़ रहा है. ठीक है, राइट, याद रहेगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट हम एक ही बात है, क्योंकि इंडियन डेजर्ट को में ही थार डेजर्ट है. ठीक है, यानी कि उसको इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं, थार डेजर्ट भी बोल सकते हैं हम लोग. एंड ये वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, 17th नंबर पे है. तो ये हमारा जो इंडियन डेजर्ट है ये वेस्ट साइड में है और मोस्टली ये राजस्थान का पार्ट कवर करता है, बट थोड़ा बहुत ये पंजाब एंड हरियाणा में भी पाया जाता है. ठीक, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देख सकते हो आप, ये वेस्ट साइड में पूरा आपको नज़र आ जाएगा. ये देखो, ये हमारे इंडिया का वेस्ट साइड है एंड ये राजस्थान के मोस्टली एरिया कवर करते हैं एंड थोड़ा बहुत पंजाब एंड हरियाणा के भी एरियाज क्या करते हैं, ये कवर कर रहे हैं हमारे थार डेजर्ट. राइट, अब हम लोग सेकेंड फीचर्स की ओर चलते हैं. इट इज़ एन अनजुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर विथ सैंड ड्यून्स. तो ये अनजुलेटिंग क्या होता है, देखो ये जो अनड्यूलेटिंग है ये क्या है कि एक असमान मतलब ये देख सकते हो, ये फिगर देखो आप लोग, कहीं पे ऐसा है ना, ये इस टाइप है, प्लेन है. ठीक है, प्लेन ऐसा नहीं है, समझो इसको. ठीक, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग. ये प्ले ये है, ये बाल ये है, पूरा सैंडी है, यहाँ पे प्लेन है. तो आप देख सकते हो कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा उठा हुआ है, कहीं ये है. तो ये इसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग. ठीक है, इसी को अनड्यूलेटिंग बोलते हैं. तो ये अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर विद द सैंड ड्यून्स, इसमें क्या है, ये सैंड ड्यून्स है, ये जो ऊपर में देख रहे हो आप लोग, ये सारा सैंड ड्यून्स है. ठीक है,
तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि क्या है कि इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर विथ सैंड ड्यून्स, राइट, क्लियर हो गया है। अनड्यूलेटिंग मतलब होता है असमान, ये असमान प्लेन है, प्लेन तो है बट तो कहीं कहीं ये सामान मिलेगा, जैसे यहाँ पे पूरा प्लेन है, लेकिन अगर इस साइड देखो तो इस साइड ये ऊबर खाबर मिलेंगे, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा नीचा है, तो इसलिए इसको अनड्यूलेटिंग बोला जाता है, कवर विद सैंड ड्यून्स, राइट। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट हमारे फीचर्स की ओर। इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, हम लोग जानते हैं कि ये जो डेजर्ट है हमारा रेगिस्तान, ये सबसे लो रेनफॉल ये कवर करता है। कितना रेनफॉल होता है, 150 मिलीमीटर पर ईयर। देखो जहाँ पे क्या है, 150 मिलीमीटर में ही यहाँ पर बारिश हो रही है, सो भी हर साल में बहुत ज़्यादा कम है, बेसिकली जुलाई टू सितंबर में ही यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, और इतना ज़्यादा कम, 150 मिलीमीटर पर ईयर बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए एग्रीकल्चर की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो राजस्थान में आपके डेजर्ट एरिया में नहीं है, एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज़ हमारे डेजर्ट एरिया में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट होते हैं वो बहुत एरिड क्लाइमेट होते हैं, एरिड मतलब होता है सूखा, ठीक है, शुष्क, जिसको हम लोग शुष्क बोलते हैं, शुष्क वातावरण, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ होता है विथ लो वेजिटेशन कवर, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो इंडियन डेजर्ट है हमारा वो वेरी लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, तो बेसिकली जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपका बाजरा हो गया, आपका ज्वार हो गया, पल्सेस, कुछ कुछ पल्सेस हो गए, ये सारे चीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। हम यहाँ पे मस्टर्ड भी उगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे बस मेनली यही सारे क्रॉप्स यहाँ पे हम लोग बो सकते हैं, बिकॉज यहाँ की जो क्लाइमेट है डेजर्ट की वो एरिड क्लाइमेट है, बहुत ही सूखा। लोकेलिटी है, जो लोकेशन है वो कितना सूखा सा है, तो बेसिकली यहाँ पे वेजिटेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ कुछ ही क्रॉप्स पाए जाते हैं। तो जो यहाँ के पीपल है वो ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड है, यानी कि पशुपालन पे, ठीक है। यहाँ के जो लोग रहते हैं इंडियन डेजर्ट में, जो भी एक राजस्थान है, थोड़ा पंजाब एंड हरियाणा का भी पार्ट्स आता है, तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं राजस्थानी लोग, वो लोग बेसिकली पशुपालन करते हैं, जैसे कि काउ, ऑक्से, सिप, बफेलो, ऑक्सन, गोट, ये सारा वो लोग पालते हैं, और यही सारे से उन लोगों का जो लिवलीहुड है वो चलता है। जैसे कि सिप पालते हैं तो सिप से वूल निकालते हैं, तो वहाँ पे वूलन इंडस्ट्री पाई जाती है बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में, और बीकानेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, तो ये सब में क्या है आपके बेसिकली ट्रेड वाला, ट्रेड इंडस्ट्री ज़्यादा बिकती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बीकानेरी भुजिया वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बीकानेर वगैरह ट्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये लोग वो यहाँ पे क्रॉप्स तो नहीं होते बट अदर थिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग वही करते हैं, पशुपालन करते हैं एंड उसी से अपना लिवलीहुड को चलाते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रीम्स जो है, अच्छा, ये रिसीव, इट रिसीव वेरी लो रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड डू नॉट रीच द सी। यहाँ पे लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन, एक ही एकमात्र वो जो यहाँ पे नदी है वो है लूनी, ठीक है, उसका नाम है लूनी नदी। तो ये लूनी नदी जो है ये कब आपकी होती है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन मोस्टली यहाँ पे जुलाई टू सेप्टेम्बर हो, ये जो बालू है वो क्या होते हैं उसमें तो वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, राइट। हम लोग जानते हैं अगर आप सॉयल में, सैंड में, अगर आप लोग सैंड में वाटर को डालोगे तो वो सैंड क्या करेगा, वो वाटर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने, मतलब फ्लो नहीं करने देगा वाटर को, है ना। तो बस वही चीज़ होता है रेनी सीजन में, स्ट्रीम्स अपीयर होते हैं, मतलब नाला तो बनते हैं रेनी सीजन में, लेकिन वो जो वो सी तक, समुद्र तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सैंड है वहाँ पे, जो बालू है वहाँ पे,
वो सारे पानी को, वाटर को अपने अंदर अब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो सी तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो बारिश कम होती है उसकी वजह से ज़्यादा वो भर ही नहीं पाता है, एंड सेकंड थिंग कि जो सैंड होते हैं वो खुद में एब्जर्ब कर लेते हैं सारे स्ट्रीम्स को, तो बस वो स्ट्रीम्स रेनी सीजन में ही अपीयर होते हैं। लूनी जो है वो एकमात्र नदी है वहाँ की, इंडियन डेजर्ट की, जो जिससे कुछ कुछ काम लाया जा सकता है इरीगेशन के लिए, जिसको यूज किया जाता है, एंड उसी से आर्टिफिशियल इरीगेशन भी बनाया जाता है, जैसे ट्यूबवेल, कैनल्स, पंप सेट वगैरह वहीं से आपके अवेलेबल होते हैं लोगों को लूनी नदी से। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है, तो हम लोग देखेंगे सैंड ड्यून्स, जो हम लोग जानते हैं बेसिकली जो राजस्थान है हमारा वो तो वहाँ पे पूरा बालू ही है, ठीक है। तो जो बालू में भी उसके भी जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसके भी कुछ कुछ टाइप्स है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है याद रखने का है। बरखान इसको बोलते हैं हम लोग, एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी है, ऐसे तो बहुत सारे ड्यून्स हैं, बट आप लोगों के जो एनसीईआरटी चैप्टर में दो टाइप के ड्यून का वहाँ जिक्र है, इसलिए मैंने ये अभी हम लोग वो दो ड्यून के को पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। बरखान, व्हाट इज़ बरखान? तो बरखान इज क्रिसेंट सेप ड्यून्स कवर लार्जर एरिया, तो बेसिकली जो वहाँ पे क्या है, मरुभूमि है, ठीक है। मरुभूमि क्यों है? क्योंकि वहाँ की ज़मीन में कुछ पैदावार ही नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए उसको मरुभूमि भी बोला जाता है, क्योंकि एरिड क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ की ज़मीन में कुछ उगती नहीं है, और तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मरुभूमि बोला जाता है, ठीक है। रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारा रेत पाया जाता है, यानी कि बालू पाया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं बरखान के बारे में, व्हाट इज़ बरखान? तो देखो क्या होता है, ये क्रिसेंट शेप ड्यून होता है, क्रिसेंट मतलब चंद्रमा की आकार का, ये देखो ये है आपके बरखान, ये क्या है, इस टाइप के जो सैंड ड्यून से वो बहुत ज़्यादा हिस्सा को कवर करता है इंडियन डेजर्ट का। ये बरखान कैसे बनता है? तो जो हवा होती है वो यहाँ से कंटिन्यू इस साइड से चलती हुई है, कंटिन्यू एक साइड से हवा चलती है, तो हवा चलते चलते क्या करती है, बालू को उड़ा करके ले आती है और यहाँ पे सारे जमा कर देती है। ये देखो ये कैसे पॉसिबल होता है, मतलब कि इधर से हवा आ रही है, समझो हवा चल रही है, तो यहाँ पे पूरा बालू फैला हुआ है, अब ये बालू सैंड क्या होंगे, यहाँ से उठते जाएंगे, राइट, क्योंकि हवा में तो इतनी ताकत होती है कि वो कुछ कुछ बालू को उठा करके एक जगह जमा कर दे। जितना बार आपके रेगिस्तान में स्ट्रॉम आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहाँ पे आंधी तूफान भी आते हैं, तो जब वहाँ पे आंधी तूफान आते हैं तो वहाँ पे बालू जो है, वहाँ के सैंड्स जो है वो एक जगह से उठ के दूसरा जगह चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह से करके ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये जमा होते रहते हैं, यहाँ पे इसको एयर जो है, विंड जब चलती है, आंधी तूफान जब आते हैं, तो बालू को उड़ा कर करके यहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो आप, ये चूंकि चंद्रमा के आकार का है, ये चंद्रमा के आकार का है, इसीलिए इसको हम लोग क्रिसेंट बोलते हैं, ठीक है, क्रिसेंट डोम शेप, क्योंकि ये इस टाइप के शेप में है, ठीक है। ये सी शेप्ड भी इसको बोलता है, सी शेप्ड डोम भी बोला जाता है, क्रिसेंट शेप डोम जिसको फुल फॉर्म है, तो ये सी शेप्ड है क्योंकि ये चंद्रमा के आकार का, इसीलिए इसको सी शेप्ड डोम बोला जाता है। एंड ये इसको, ये बनता कैसा है, तो ये बनता ऐसा है कि यहाँ पर से बहुत जब विंड तूफान चलते हैं आते हैं, तो ये बालू को यहाँ पे जमा करते रहते बहुत जब टाइम हो जाता है, फाइनली ये इस टाइप का कुछ लुक देने लगता है, कुछ यहाँ पे लुक बन जाता है, ये सारा आपके बालू से ही बने हुए हैं, ठीक। तो अब यहाँ बालू जमा हो जाएगा तो ये इस टाइप का इधर प्लेन बन जाते हैं, इधर स्मूथ रहते हैं, और ये यहाँ पे इस टाइप से ये बन जाते हैं। तो देखो यहाँ ये हर तरफ ये रहते हैं, हर तरफ ये आपके डेजर्ट में ये वाले बने रहते हैं। सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कैसा है? तो ये बेसिकली आपके जब हवा दो तरफ से चलती है ना, ये देखो ये जो बेसिकली आपकी हवा एक इधर से भी आती है तो ये बालू को उठाती है, इधर से भी आती है तो बालू को उठाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ शेप बन जाते हैं जब हवा क्या होती है दोनों ओर से चलती है, इधर से भी चल रही है एंड इधर से भी चल रही है, तो ये बालू इस टाइप से उठ के ऐसा ये शेप बन जाता है जब हवा दोनों तरफ की होती है, ये देखो।
ठीक है, क्योंकि ये बालू है, ये तो हवा से उड़ाए जा सकते हैं, तो अब हवा जैसे मन इसको सेप दे देती है, तो ये एक सेप ऐसा बनता है बालू का जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डोन बोलते हैं, दूसरा सेप ऐसा बनता है जिसको हम लोग बरखान बोलते हैं, यानी कि क्रिसेंट सेप्ड ड्यून। ठीक है, तो ये दो आप लोग फीचर्स याद रखना, क्योंकि यही दो आप लोगों के नाइन्थ में आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली बस यही है, कुछ नहीं है, बरखान बहुत ईजी सा। बालू को एक ही तरफ जमा कर देता है तो वो सी सेप बन जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में दोनों तरफ से हवाएं चलती है और बीच में वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का ड्यून बन जाता है, इसलिए उसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बोला जाता है। तो ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट का जो फीचर्स है वो यही है, राइट, कि इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन और अरावली हिल्स, हम लोगों ने पढ़ा। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स, ये अनड्यूलेटिंग है यानी कि एक समान नहीं है, असमान पाई जाती है प्लेन्स में, विथ सैंड ड्यून्स, बहुत कम रेनफॉल होते हैं अप टू 150 मिलीमीटर पर ईयर, जिसकी वजह से यहाँ के जो क्लाइमेट है वो बहुत एरिड होते हैं और बहुत लो वेजिटेशन होते हैं, इसलिए इसको मरुभूमि भी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे लिवलीहुड के लिए पीपल्स एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेड है, एनिमल हस्बेंड्री लाइक पशुपालन, जैसे कि काउ, ऑक्सन, सीप, बफेलो, गोट, ये सब ये लोग पालते हैं एंड इसी से ये लोग अपने लिवलीहुड को चलाते हैं। तो कुछ कुछ वेजिटेशन होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मस्टर्ड्स, ये सब सारे वेजिटेशन जो खरीफ क्रॉप्स है जो सूखे में हो सकते हैं, वो सब वेजिटेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत होते हैं। लूनी जो है इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन, बट इट डू नॉट रीच द सी, ये सी तक नहीं पहुँचती है। क्यों नहीं पहुँचती है? क्योंकि जो सैंड्स है वो वाटर को अपने अंदर अब्जर्व कर लेते हैं, इसी वजह से बारिश भी कम होती है और सैंड भी वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो सी तक नहीं पहुंचती है। एंड सेकंड थर्ड थिंग हम लोगों ने देखा कि सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बरखान होते हैं, सी सेप ड्यून जो एक तरफ हवा आंधी चलने की वजह से बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो बोलते हैं, और ये आप लोगों के वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, राइट। तो आई होप कि ये वाला पूरा वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो आई थिंक आई होप कि यू लाइक माय वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।